सरकार की मंजूरी बिना विश्व कबड्डी चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान पहुंची भारतीय टीम हुआ बवाल। विश्व कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान पहुंचने से विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि टीम सरकार के बिना अनुमति से वहां पहुंच गई। इस मामले में खेल मंत्री और राष्ट्रीय महासंघ से पूछा गया कि उन्होंने कहां से वे किसी भी एथलीट को पड़ोसी देश में भाग लेने की अनुमति नहीं दी है। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारत से एक दल शनिवार को वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंचा, जिसका आयोजन पहली बार पाकिस्तान में किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर स्वागत के वीडियो को सोशल मीडिया पर यह स्वागत का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में भारतीयों के लाहौर पहुंचने पर फोटो सामने आ रहे हैं। टूर्नामेंट सोमवार से लाहौर के पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में शुरू होगा। कुछ मैच फैसलाबाद और गुजरात में खेले जाएंगे। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने किसी भी एथलीट और टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी है। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने किसी भी टीम को अनुमति प्रदान नहीं की है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व के लिए अनिवार्य होती है। चीन में कोरोना वायरस के कारण शनिवार को 69 लोगों की मौत के बाद अब रविवार को भी मौत का मामला बढ़ता गया है। कुल मिलाकर अब तक 904 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 से अधिक हो गई है। चीन सरकार के हवाले से ये पुष्टि की गई है। इससे पहले चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने रविवार को बताया कि शनिवार को इससे में 90 लोगों की जान चली गई थी और 2656 नए मामले सामने आए हैं, जबकि शनिवार को 700 लोगों का इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन आपातकालीन कार्यक्रम प्रमुख माइकल रॉयल ने कहा है कि चीन के हुबोई में आ रहे कोरोना वायरस के मामले में ठहराव है, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। बांग्लादेश ने रविवार को भारत को 3 विकेट से हराकर पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जयपाल ने 88 और तिलोक वर्मा 38 के दम पर बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में बांग्लादेश के परवेज हुसैन 47 और कप्तान अकबर अली की 43 रन की शानदार पारी के दम पर यह मुकाबला बांग्लादेश ने जीत लिया। हालांकि बारिश की वजह से मैच थोड़ी देरी से शुरू हुआ और मैच प्रभावित हुआ। इसके लिए डेकवर्थ लुईस की प्रदर्शनी के मुताबिक बांग्लादेश को जीत के लिए 5 ओवर में 7 रन का लक्ष्य मिला, जैसे ही बांग्लादेश की टीम 23 गेंद शेष रहते हासिल कर दिया। भारत की तरफ से रवि बिश्नोई ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। वही मैच में शानदार बल्लेबाजी करने आए बांग्लादेश के कप्तान अकबर अली ने को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वही टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयपाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। जयसवाल ने पूरे टूर्नामेंट में 4 अर्धशतक और 1 शतक की बदौलत 400 रन बनाए।